सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग से खबर, पीओ से ऑफलाइन सूचना नहीं मांगने के हुए आदेश। स्कूलों में कम छुट्टियां होगी, पढ़ाई और परीक्षा पर रहेगा जोर। मास्टर डाटा अधिकृत होने पर ही मिलेगा राज्य कर्मचारियों को वेतन। शिक्षा राज्य मंत्री ने भर्तियों के संबंध में दी व्यापक जानकारी। आरबीआई के दायरे में आएंगे सहकारी बैंक। कॉलेजों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई, प्रमोट विद्यार्थी 30 जून तक फीस जमा करवा सकेंगे। करदाताओं के लिए राहत की खबर, सीबीडीटी की ने बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की तारीख। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज की पहली खबर की तो माध्यमिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि पीओ से ऑफलाइन सूचना नहीं मांगने के आदेश हुए हैं। शाला दर्पण पर उपलब्ध सूचना के उपयोग के आदेश हैं। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने जारी किया आदेश, ये आदेश आप तक पहुँच चुके होंगे, कल ही आदेश हुए हैं जारी। बात करें अपनी अगली खबर की तो स्कूलों में कम होगी छुट्टियां और पढ़ाई और परीक्षा पर रहेगा जोर। कक्षाओं में पढ़ाई, परीक्षाएं और सहशैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर तय करने में तैयारियां शुरू। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थान अकादमिक कैलेंडर बदलने में जुट गए हैं। 2021-22 में छुट्टियाँ कम करने, पढ़ाई और परीक्षा पर ज़्यादा जोर रहेगा। सहशैक्षिक गतिविधियाँ भी ऑनलाइन अथवा प्रोजेक्ट आधारित कराई जा सकेगी। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंध और अन्य कॉलेज बंद है। संस्थाओं को कक्षाओं में पढ़ाई, परीक्षाएं और सहशैक्षिक गतिविधियों का कैलेंडर तय करना है, इसकी तैयारियां जारी है। समय पर परीक्षाएं चुनौती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की और CBSE से संबंधित स्कूल में पहली से नवीं और ग्यारहवीं की आंतरिक परीक्षा होती है। प्रतिवर्ष चरणबद्ध तरीके से इसका आयोजन होता है, लेकिन इस वर्ष भी 2020-21 में सत्र में अगस्त से अक्टूबर के बीच टर्मिनल टेस्ट अर्धवार्षिक परीक्षाएं होगी। इसी तरह कॉलेज में 3 टर्मिनल टेस्ट होंगे और विश्वविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं और 2021 में वार्षिक परीक्षाएं होगी। 30 जून तक नव प्रवेश नवीनीकरण। कॉलेज शिक्षा ने 30 जून तक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के विद्यार्थियों को ऑनलाइन नवीनीकरण करने को कहा है। विश्वविद्यालय ने भी 30 जून तक नवीनीकरण और कैंपस में कोर्स में प्रवेश देने की दी है। छुट्टियों में होगी कटौती। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दिवाली, शीतकालीन अवकाश और प्राचार्य कुलपति की छुट्टियों के अवकाश होते हैं। जुलाई से मार्च 2021 तक होने वाले अवकाश में कटौती होगी। दीक्षांत समारोह, वार्षिकोत्सव, सेमिनार, कार्यशाला, एक्सचेंज कार्यक्रम, खेलकूद भी केंद्र और राज्य सरकार की मंजूरी पर ही होंगे। बात करें अपनी अगली खबर की तो मास्टर डाटा अधिकृत होने पर ही मिलेगा राज्य कर्मचारियों को वेतन। जिले के कार्मिकों को जून माह का वेतन पे मैट्रिक मैनेजर सिस्टम पर मास्टर डाटा के अधिकृत होने पर ही दिया जाएगा। जिला कोषाधिकारी ने बताया कि राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए पे मैनेजर अथवा PRI पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के मास्टर डाटा को अधिकृत किया जाना है। इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध राजकीय अधिकारियों कार्मिकों की एक एम्प्लॉय ID और मास्टर डाटा की विधिवत जांच की जानी आवश्यक है। इसमें संशोधन व अधिकाधिकरण डिजिटल लॉगिन के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसके लिए पे मैनेजर पर डिजिटल लॉगिन का पंजीकरण तुरंत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में जुलाई में मिलने वाला जून के वेतन बिल का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार समस्त आहरण वितरण अधिकारी PD खाता धारक विभागाध्यक्ष उप विभागाध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय के कार्मिकों अधिकारियों की मैपिंग की जाएगी। जून का वेतन स्वीकृत पदों के पे मैनेजर सिस्टम पर मैपिंग और विभाग अध्यक्ष स्तर पर कार्मिकों के मास्टर डाटा अधिकृत किए जाने के आधार पर होगा। इस वेतन के लिए DDO द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाना आवश्यक है। बात करें दोस्तों अगली खबर की तो RBI के दायरे में आएंगे सहकारी बैंक। 8.6 करोड़ खाताधारकों की टेंशन हुई खत्म। सहकारी बैंकों के 8.6 करोड़ खाताधारकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने RBI के दायरे में लाने का फैसला किया है। बुधवार को PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके लिए अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले से 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और 58 बहुराष्ट्रीय सहकारी बैंक सीधे निगरानी में आ जाएंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब 1540 सहकारी बैंकों पर सभी बैंकिंग कानून लागू होंगे। सहकारी बैंकों का ऑडिट हर साल RBI की निगरानी में होगा। अब तक यह 18 महीने में होता था। अब इन बैंकों में CEO की नियुक्ति भी RBI करेगा। सहकारी बैंकों में ग्राहकों के 4.84 लाख करोड़ रुपए जमा है। हालांकि इन बदलावों के बावजूद सहकारी बैंकों के प्रबंधन का जिम्मा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव के पास ही रहेगा। बात करें अपनी अगली खबर तो करदाताओं के लिए राहत की खबर, CBDT ने बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख। टैक्स पेयर के लिए राहत की खबर है। सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने बुधवार को इस बारे में अधिसूचना जारी कर कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख है वो बढ़ाकर
31 जुलाई कर दी है। इसके अलावा सरकार ने पैन आधार लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया गया है। और आयकर विभाग ने इसके साथ ही छोटे और मझोले समझौते करदाताओं जिनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की देनदारी 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए टैक्स पेमेंट की तारीख 30 नवंबर 2020 कर दी गई है। वहीं 1 लाख से अधिक की देनदारी के लिए डेडलाइन का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयकर विभाग के टैक्स छूट के लिए 80/60D और 80/60C और 80T के तहत दिए किए गए निवेश की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2020 कर दिया गया है। CBDT ने COVID-19 के चलते मामलों को देखते हुए आयकर अधिनियम 1961 के तहत इन समय सीमाओं को बढ़ा दिया है। आयकर सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स की भुगतान की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है। फॉर्म नंबर 16 के जारी करने की अंतिम तारीख है वो 10 जून 2020 की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। अब नहीं होगी CBSE की बची हुई परीक्षाएं। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछली 3 परीक्षाओं के आधार पर स्टूडेंट का असेसमेंट हो सकता है। CBSE ने किया CTET को स्थगित। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 5 जुलाई को आयोजित होने वाली केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET को स्थगित कर दिया है। शिक्षा राज्य मंत्री ने भर्तियों के संबंध में दी व्यापक जानकारी। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा विभाग से संबंधित भर्तियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 पंचायती राज विभाग द्वारा जिलेवार संपादित की गई है। इसमें कुल 39,544 विज्ञप्ति पदों से 3,227 अधिक अभ्यर्थियों नियुक्ति दी जा चुकी है। इस भर्ती के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णयों की पालना करना या SLP दायर करने का निर्णय पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाना है। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2018 की भर्ती शिक्षा विभाग द्वारा संपादित की गई है। कॉलेजों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई प्रमोट। विद्यार्थी 30 जून तक फीस जमा करवा सकेंगे। कॉलेज कोरोना के दौर को देखते हुए कॉलेज निदेशालय ने कॉलेज प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कॉलेज शिक्षकों को यूट्यूब पर शिक्षण का वीडियो बनाकर कॉलेज के चैनल पर अपलोड करना होगा जहाँ से स्टूडेंट देख सकेंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोराड़ द्वारा जारी निर्देशों में बताया गया है कि कॉलेजों में कार्यरत सहायक एवं सहायक आचार्यों को जुलाई में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस के टॉपिक्स के अनुसार प्रतिदिन एक व्याख्यान रिकॉर्ड कर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना होगा। व्याख्यान आगामी सत्र में स्टूडेंट के में काम में लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।